गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया से होंगे। और मैं हूँ अपनी छत पर फिर से हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। फ़िलहाल स्वागत आप सभी का इस प्यारे प्यारे से गुलाब के फूल के साथ। साइज देख रहे हैं आप कितना अच्छा है। और फ्रेंड्स, विंटर में मेरी छत में रोज़ बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े से हैं। ये देखिए साइज देखिए आप। और ये सब किचन वेस्ट का ही कमाल है। हम लोग अपने गमले में हमेशा मिट्टी, बालू, किचन वेस्ट और गोबर खाद का ही यूज करते हैं, और उसी से ये प्यारे प्यारे से फ्लावर आए हुए हैं सब। ये देखिए पिटूनिया, ये फर्स्ट फ्लावर है इसका। और ये देखिए इधर भी हैं सब फ्लावरिंग। विंटर वाले जो सीजनल प्लांट है उसमें आनी शुरू हो गई है। ये हम लोगों ने नेस्टन का ये प्लांट है, इसको हम लोगों ने बीज से ही ग्रो किया था। यहाँ पे देखिए मिर्ची बिल्कुल लाल हो गई हैं। फ़िलहाल पालक की हार्वेस्टिंग करूँगी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, मैंने हालांकि गोभी लगाने में मैंने बहुत देर कर दी थी, बीज नहीं थे, लेकिन दृष्टि ने कुछ सवाल ऐसे किए तो मैंने झटपट से ला के लगा दिए। उसने कहा मैंने आज तक कॉलीफ्लावर को देखा नहीं कैसे वो लगते हैं। क्लाइंबर होती है, क्रीपर होती है, बड़ी सी ट्री होती है, मम्मा कैसे लगते हैं? और उसके इस तरह के सवाल जायज़ भी थे, क्योंकि जो बचपन हमने आपने जिया फ्रेंड्स, हमारे बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। भले उनको सुख सुविधाएँ ज़्यादा हैं, वो कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन वगैरह चला लेते अच्छे से, लेकिन नेचर से बहुत दूर हैं। हम लोगों ने तो इन सब चीज़ों को खेतों में लगे देखा है। और ये प्रॉब्लम शहर के बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाती है कि वो खेतों तक नहीं जा पाते। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर हमारे बच्चे गांव देहात नहीं जा पाते, खेतों को नहीं, खेतों में लगी सब्जियां नहीं देख सकते, तो क्यों ना हम अपने शहर में अपनी छत पर ही छोटे छोटे से खेत बना लें, सजा लें अपने गार्ड कंटेनर्स में ही सब्जियों को। तो इससे हमारे बच्चे जो हैं नेचर के बहुत नज़दीक भी हो जाएंगे, और उनके मन में जो जिज्ञासाएँ रहती हैं वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी कि कैसे सब्जी लगती है, कैसे प्लांट ग्रो होते हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए गोभियाँ लगा दी थी, काफ़ी लेट लगाई मैंने, ये नवंबर के सेकेंड वीक में लगाई मैंने, लेकिन फिर भी देखिए गोभी बनना शुरू हो गई हैं। और इसको देखकर जो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है, पहली बार उन लोगों ने इस तरह से लगे देखा हुआ है, बड़े खुश होते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्जी नहीं लगाई है तो अब तो गोभी थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन पालक आप लगा सकते हैं। और अब तैयारी कीजिए समर की सब्जियों की, और अगर आप चाहते हैं लगाना तो तैयार हो जाइए। मैंने तो बीज खरीद लिए हैं और जल्दी बताऊंगी कि मैंने किस किस सब्जी के बीज खरीदे हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप। इस बार कंटेनर गार्डनिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बनना शुरू हो गया है। और ये अभी 2 महीने हुए हैं, ये देखिए सब में फ्लावर आ गए हैं, और ये 15 से 20 दिन में तोड़ने लायक हो जाएंगे। और इसमें भी फ्रेंड्स मैंने अलग से कुछ नहीं डाला है, वही किचन वेस्ट है, गोबर खाद है और बालू मिट्टी का मिश्रण है, अलग से कुछ नहीं पड़ा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि बहुत ज़्यादा खाद वगैरह आपको डालनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में निकलने वाले कचरे से भी से ही किचन वेस्ट बना लीजिए, और किचन वेस्ट में आप बहुत अच्छा सब्जियां ग्रो कर पाएंगे। तो आप
चौथी बार मैं तो कह रही हूँ आप सब मेरे साथ लग जाइए और कंटेनर गार्डनिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। समर की सब्जियाँ हम लोग ग्रो करेंगे एक साथ, तो मेरे साथ बने रहिए और तैयारी कीजिए ऑर्गेनिक फुल केमिकल फ्री सब्जियाँ खाने के लिए। तैयार हो जाइए आप लोग और लगाइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीज बताऊंगी कौन कौन से बीज, कौन कौन सी सब्जियां आप समर में लगा सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।